आज हमारी इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और शुभम जी, पिछले कुछ महीनों में आपने हमारे साथ एडवांस एक्सेल की क्लासेस को पढ़ा, तो एडवांस एक्सेल की क्लासेस में आपने क्या पढ़ा कि जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिया है, आपने उसी को स्टडी किया, उसी पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ट्रिक्स जाना, राइट सर? किस तरीके से कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सारी चीजों पे आपने डिस्कस किया। अब जो बात आती है वो आती है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, पहले इसके बारे में हम एक थ्योरिकल पार्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग कंसेप्ट को। साहू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ कोड बैच को, थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ, फिर कोड कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम बात करेंगे वीवीए है क्या। अगर वीवीए के बारे में हम उतना बेसिक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, वीवीए को हम बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको वीवी बोलते हैं। तो वीवी जो होता है, वीवी स्टूडियो का पार्ट होता है, जैसे कि डॉट नेट हो गया और वीवी सिक्स वगैरह हो गया, ये चीज आपका वीवीए नहीं है। मतलब वीवीए की मदद से कोई exe फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं आप, कि अपने खुद की एप्लीकेशन नहीं बना सकते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें नए फीचर्स को डेवलप कर सकते हैं, नए फीचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके। इसका यूज किया गया है। तो इससे क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं माइक्रोज। माइक्रोज क्या होता है, माइक्रोज एक ऑटो पायलट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक फोल्डर में जाते हैं, रिपोर्ट ओपन करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। इसी प्रोसेस को अगर हम कोड में लिख दें, नेक्स्ट टाइम रन करें, तो ऑटोमेटिकली वो फोल्डर में जाएगा, फाइल को ओपन करेगा, डेटा को कॉपी करेगा और पेस्ट कर देगा। और आपसे मैनुअल जो करते हैं उससे कम से कम 1000 गुना फास्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ। सर रिकॉर्डिंग परमिशन दीजिए। जी हाँ, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करके देगा वो माइक्रोज। उसके बाद इसमें हम क्रिएट करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला। आप एच लुकअप, बी लुकअप ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, सेम ऐसे ही फॉर्मूला हमारा फंक्शन के जरिए क्रिएट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो फिर और फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या है। देखिए, जो फॉर्मूले हैं माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। अब मान लीजिए आपको अपने हिसाब का चाहिए, आपके अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूले चाहिए। जैसे वी लुकअप को ले लीजिए, उसमें मल्टीपल डेटा को लुकअप नहीं करता, आपको मल्टीपल डेटा लुकअप करना है। उस केस में हम यहां फंक्शन क्रिएट, फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन के बाद हम अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या होता है, यूजर फॉर्म आपका इंटरफेस होता है। जैसे आप इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, तो एक पॉपअप आ जाता है ना सर। ये पॉपअप क्या है, अगर मान लीजिए पॉपअप ना होता तो क्या करना होता आपको। मान लीजिए आप इस आपके यहाँ ऑप्शन में कई सारे पिवट होते हैं, मतलब कि पिवट विथ रेंज, पिवट विथ टेबल, पिवट विथ एक्सटर्नल डेटा, तो तीन तरह के, मान लीजिए वीवीए एक फैक्ट्री है, तीन तरह के चीजें हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंड व्हेन, मतलब हम वीवीए का यूज क्यों करेंगे और कब करेंगे।
तो why की बात करें तो VVA का यूज तब होता है जब आपके पास रिपीटेड जॉब या लेंथी जॉब होता है। दो चीज समझ लीजिए, ऐसा कि जैसे कोई ऐसा काम है जो कि आपको बार बार करना पड़ रहा है, ऐसे काम को आप कर सकते हैं, या फिर हम बात करते हैं रिपीटेड लेंथी वर्क। जैसे कि एक काम आया एक रिपोर्ट है, उसे बनाने में आपको आधे घंटे का टाइम लगता है और डेली आपको आधा घंटा देना पड़ता है, तो ऐसे काम को आप कर लीजिए, इस पे वीवीए से ऑटोमेट कर दीजिए। अब ऐसे बात नहीं कि आपके बॉस ने बोला कि छोटी सी मुझे एक ए बना के दे दो, समरी बना के दे दो, अब उसके लिए आप पिवट लगाने लगे, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो पिवट पिवट से जो चीजें निकाल सकते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल सकते, उसके लिए अगर आप वीवीए लगाने चाहें तो वीवीए ऐसे नहीं लगता है। वीवीए की लगाने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम रिपीटेड जॉब पे यूज करते हैं, दूसरा लेंथी वर्क। अब एक ही काम आया है लेकिन काफी लेंथी, जैसे 1500 लोगों को आपको मेल करनी है, 1500 लोगों को आपको मेल करनी है। अब आपको मेल वन टाइम ही करना है लेकिन 1500 लोगों को मेल करना है इंडिविजुअल, तो टाइम लगेगा, तो वहां हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो वेन एंड व्हाई, व्हाई में आ गया। अब वेन की बात करते हैं, अगर आप रिपोर्ट अपने लिए बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रिपोर्ट अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत होगी? दिक्कत होगी कि आप जब दूसरे लोगों की रिपोर्ट बनाओगे और उसको मेल करोगे तो आपके जो डेवलपर टाइप के अंदर जो सिक्योरिटी होती है माइक्रो, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। तो अब हर कोई आपका वीवीए से फैमिलर तो नहीं है, अब किसी के पास वीवीए का नॉलेज नहीं है, उसने फाइल को खोला, उसको सिक्योरिटी वार्निंग और पॉपअप दिखाया, उसी ने फाइल को क्लोज कर देगा। तो वहां पे हम जो है अपना माइक्रो अवॉइड करते हैं। तो जैसे 100, 200, 500 लोगों को भी कोई मेल भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है, उसमें जो माइक्रो है उसको आप अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको क्या करना होगा, हर किसी को फोन में बताना पड़ेगा भाई अनेबल कर लो माइक्रो, इसलिए अवॉइड कीजिए। आप अपने लिए फाइल बना रहे हैं तो जितना मर्जी बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि माइक्रो पे काम स्टार्ट करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आप डेवलपर टैब आपके पास होना चाहिए, तो फाइल मेनू बार में आप जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और यहां कस्टमाइज रिबन, और यहां पर डेवलपर टैब आपको दिख जाएगा, क्लिक करके स्टार्ट कीजिए। डेवलपर टैब जब आ गया तो आपको माइक्रो सिक्योरिटी को यहां से अनेबल कर लेना है, लेकिन अनेबल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट डिसेबल इसलिए रख रखा है क्योंकि इसके साथ वायरस भी आ सकता है। अगर आपने इसको अनेबल किया तो ध्यान रखिएगा कि कोई अननोन पर्सन कोई फाइल आपको भेज रहा है, माइक्रो फाइल भेज रहा है जिसका एक्सटेंशन .xlsa या .xlsm है, उसको आप ओपन ना करें या ओपन करने से पहले सोच लें। उसके बाद फाइल को सेव कीजिए, फाइल को क्या करना है, सेव करना है, किसमें करना है सेव, फाइल को सेव करना है यहां माइक्रो अनेबल वर्कबुक। जी हाँ, डिफॉल्ट यहां एक्सेल वर्कबुक होता है तो चेंज करते समय इसका ध्यान रखिएगा। तीन चीजें आपको करनी है,
अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या फीचर है। अगला जो पार्ट आता है वो आता है रिकॉर्डिंग मैक्रो का। देखिए, एक आपके पास एक एक्सेल में एक फीचर है रिकॉर्ड मैक्रो का। रिकॉर्ड मैक्रो क्या करता है, जो आप स्टेप को फॉलो करते हैं उसको रिकॉर्ड कर देता है। जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग में बोला कि यहां पे नेम, यहां पे रोल नंबर, तो ये जो नेम और रोल नंबर लिखने का प्रोसीजर है उस मैक्रो ने रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आपको अगर सेम चीज रन करना हो तो इसी मैक्रो को लिखना और रन कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो आपके बिहाफ पे आपके जो माउस एक्शन और कीबोर्ड एक्शन को खुद ब खुद मैक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां हम इस एक सवाल यहां पे उठता है कि जब खुद ब खुद कर देता है तो फिर हम क्यों मैक्रो कोडिंग करेंगे। देखिए, जो जो यूज करता है ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करता है, इसमें रिपीटेशंस और इसमें आपको जो है रिपीटेशन हो गया, कनेक्टिविटी जो हो गया, कंडीशंस हो गए, डायनेमिक हो गया, बहुत सारी चीज को यूज नहीं होता। इसलिए आपको खुद ब खुद मैक्रो जो डिजाइन करते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है कि आप अगर लर्निंग पीरियड में है तो इसको एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए कि आपको बोल्ड करने का कोड पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप यहां से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग मैक्रो पे करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे, स्टॉप करेंगे और फिर जाएंगे इसकी कोड में और देखेंगे कि बोल्ड करने का कोड क्या है। एज ए डिक्शनरी इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आगे चल कर एक्सेल सीख भी जाते हो, वीवीए को सीख भी जाते हो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे हम, इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमारा बहुत सारे ऐसे माइक्रो को ऐसा प्रोजेक्ट को बनाना है और उसमें बहुत सारे कोडिंग लिखनी है, आप कोडिंग लिखना नहीं चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए, वो तो कोडिंग लिख देगा, फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो में जो अननेसेसरी कोड है उसको डिलीट कर दीजिए और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दीजिए, आप उस माइक्रो को यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो बस इतना ही है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो कैसे डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि आप हमें बताया कि डेवलपर टाइप आपका नेविगेट होता है, तो डेवलपर टैब पे जाइए, यहाँ आपका विजुअल बेसिक दिखता है, इसका शॉर्टकट होता है Alt F11। इस Alt F11 पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलता है VBE, विजुअल बेसिक फॉर एडिटर। इसमें क्या है कि हम कहाँ पे माइक्रो डिक्लेयर कर, ये जो दिख रहा है आपको कोड विंडो दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा आपका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होता है। तो ये आपका नेविगेटर होता है कि आपने जो फाइल खोल रखी है वो फाइल का लिस्ट आएगा। अभी आप जैसे मैं बुक वन के जगह पे बुक टू खोल दूं, न्यू करके बुक टू, बुक वन आ गया, यहाँ आप देखेंगे कोड में कि आपको यहाँ पे बुक वन भी आ गया। तो आपको कोडिंग जिस फाइल में करनी है उस फाइल के अंदर आपको जाना होगा और उस फाइल के अंदर जितने नंबर ऑफ शीट्स है उस शीट्स का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं कुछ और शीट ऐड करता हूँ, तो ये आपको तीन शीट दिख रही है। तो कोडिंग हम शीट वन पे डबल क्लिक करके भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसको कोड विंडो कहते हैं और इसको जो है प्रॉपर्टी वार कहते हैं, इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोर बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको ये दोनों चीज ना मिले तो आप यहाँ से ला सकते हैं, ये विंडोज प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी आ जाता है और ये आपका ये यहाँ ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, इस यहाँ से ला या व्यू मेनू से भी ला सकते हैं। आपको अपने ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करना है, वो ये यहाँ जो व्हाइट ब्लर का विंडो आ रहा है इस पे आपको कोड करना है, लेकिन सीट वन के ऊपर या सीट थ्री के ऊपर डबल क्लिक करके हम कोड नहीं करते। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जब हम कोड करेंगे तो क्या होगा, ये फाइल सीट थ्री के अंदर, मान लीजिए कि मैंने एक माइक्रो बना दिया कि सब्जेक्ट RR ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहां में दे दिया MSG बॉक्स और यहां पे हमने लिख दिया सिंपल, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सीट यहां पे हम आते हैं सीट वन पे, जैसे यहां पे सीट वन को हम यहां से डिलीट करें, डिलीट कर दिया,
ड्रिल करते हैं, आप देखिए यहां पे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि आपका जो कोड है वो सी टू वन की प्रॉपर्टी में सेव था, किसी ने सी टू वन डिलीट किया आपका। शीट वन तो दिख रही है वहां पे, वो एक्सेल में, एक्सेल में ये शीट वन नहीं है, ये टैब में। अच्छा ये इस पे था क्या? सर हमने यहाँ बनाया था ना, दूसरे सीट पे बनाया था ना, हम फाइल नेविगेट करके यहाँ बनाए थे ना, बुक वन में बनाया, बुक वन में बनाया था ना सर आपने एक बार, बुक वन था। हम अभी हम डिलीट कहाँ किए, हम डिलीट करेंगे तो हमने आप इसको लीजिए डिलीट। अच्छा गायब हो गया तो कोड कहाँ करेंगे, हम मॉड्यूल्स इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग मैक ने खुद ब खुद मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया था, ऐसे खुद ब खुद मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल कोडिंग यहाँ करेंगे। तो मॉड्यूल क्या करेगा, इस फाइल की प्रॉपर्टी में अपनी कोडिंग को सेव रखेगा, ठीक है। अब कोड माइक्रो बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सब और अपना माइक्रो नेम, जैसे हमने लिख दिया टेस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंटरप्रेस कीजिए नीचे आ गया। अब टेस्ट में अब यहां पे टेस्ट टुडे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्पेस है। तो आप माइक्रो के नेम के अंदर कई चीजें नहीं कर सकते, एक डुप्लीकेट नेम नहीं हो सकता, एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते। दूसरा आपके जो माइक्रोज हैं उसमें नेम के अंदर में डॉट डैश कॉमा डेसिमल ऐसे चीज नहीं हो सकते, हाँ अंडरस्कोर आप लगा सकते। और चौथा जो है आप जो नई आपका जो नेम है वो थ्री डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, सराज वन, तीन कैरेक्टर और वन नंबर। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपका रेंज चला जाएगा, अगर राज वन करेंगे देखेंगे राज वन आपका रेफरेंस है, इससे दिक्कत क्या होगा कि आप माइक्रो को रन ही नहीं कर पाएंगे, रन करने जाएंगे ये सीधे आपका राज वन पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थ्री कैरेक्टर का है, थ्री लेटर तक एक्सेप्ट दिए तो दिख रहे हैं आप थ्री लेटर है, अवॉइड करें। इसके बीच में लगाना हो तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं। जो भी माइक्रो आप यहां डिक्लेयर करेंगे, जो भी हम कोडिंग करेंगे सब और एंड सब के बीच में करेंगे, जितने माइक्रो उतने सब्जेक्ट, मतलब कि अलग अलग कामों के लिए आप अलग अलग माइक्रोज बना सकते हो, एक मॉड्यूल में कई सारे माइक्रोज बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही फाइल में बहुत सारे अलग अलग तरह के माइक्रो है तो कैटेगरी वाइज आप मॉड्यूल भी अलग कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ओके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में कि माइक्रो का टाइप क्या है। देखिए माइक्रो का टाइप में अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है आपका पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो जैसे कि अभी जो माइक्रो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे राजवन, ये माइक्रो बुक वन के में स्टोर है, ये बुक वन जहां जहां भी जाएगी ये माइक्रो भी वहां वहां ट्रेवल करेगा। जैसे मैं शुभम जी को फाइल भेज दूं, शुभम जी इस माइक्रो को एक्सेस कर सकते हैं। शुभम जी हाँ जी आप इस माइक्रो को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम इसको दूसरे अभी देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाले पे हम इस माइक्रो को रन कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे किसी फाइल पे भी इसको रन कर सकते हैं, मतलब कि ये जहां जहां फाइल जाएगी हर कोई माइक्रो भी उसको रन कर पाएगा, और जो लोग भी हम इसको दूसरे फाइल पे भी रन कर सकते हैं, जितने भी दूसरे फाइल है सब पे रन कर सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आपकी वो फाइल ओपन होनी चाहिए, जैसे कि बुक वन में हमारा राज वन माइक्रो सेव है, तो हमारा बुक वन जो है ओपन होना चाहिए। अगर मैं बुक वन को क्लोज कर दूं तो आप देखेंगे कि माइक्रो लिस्ट में माइक्रो दिखेगा ही नहीं। सो यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको कोई एक्सेल का, जैसे एक्सेल का ये होता है ना क्या बोलते हैं उसको फीचर होता है कि एक्सेल का फीचर क्रिएट करना हो तो वहां पे दिक्कत होगा,
जैसे कि पिवट टेबल है, जैसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग है, कि मेनू बार में अटैच्ड, तो आप चाहेंगे कि ये भी मेनू बार में मेरे मेनू बार में अटैच हो तो दिक्कत होगी सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है पर्सनल मैक्रो। जी हाँ, जो रिकॉर्ड करते समय पर्सनल मैक्रो है, नहीं पर्सनल मैक्रो क्या करेगा कि आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर अपने कोडिंग को सेव करेगा, और जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको रन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रिकॉर्ड करोगे ये आपके मैक्रो लिस्ट में हमेशा रहेगा, हर फाइल में रहेगा, लेकिन सिर्फ आपके सिस्टम पे, किसी और के सिस्टम पे नहीं, क्योंकि ये जो कोडिंग आपने सेव किया है वो आपके पीसी पे सेव होगा ना। अब किसी को आप मेल करेंगे तो इन्हें ये आपका कोड नहीं जाएगा, क्योंकि कोड तो आपके सिस्टम में सेव है ना, इसलिए उसका सलूशन हम लोग करते हैं एडिंस। तो पर्सनल मैक्रो की जगह पे हम एडिंस की बात करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे। पर्सनल मैक्रो के बाद तीसरा आता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो मतलब कि मैं चाहता हूँ जहां पर डबल क्लिक करूं मैं मैक्रो रन हो जाए, मैं राइट क्लिक करूं तो मैक्रो रन हो जाए, सिलेक्शन करूं तो मैक्रो रन हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं मैक्रो लिस्ट, इवेंट मैक्रो। तो मैक्रो तीन तरह के हैं, पब्लिक मैक्रो, पर्सनल मैक्रो एंड इवेंट मैक्रो। तीनों समझ में आ गया सर आपको? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन उठाते हैं कि मैक्रो कोडिंग लिखने का प्रोसीजर क्या है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे जैसे कि हम सबसे पहला होता है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फिर आता है एल्गोरिथम, उसकी एल्गोरिथम बनाओ, फिर आप उसकी कोडिंग करें, फिर उसकी टेस्टिंग करें, अगर कोई एरर आता है तो रीकोड होगा और रीटेस्ट होगा, देन अप्लाई। अभी क्या सिस्टम है, ये सिर्फ इसी का नहीं, किसी भी तरह के प्रोग्राम बनाने का ये स्टेप होता है। ये बेसिकली हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था अपने बीसीए क्लासेस में। तो एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपके एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, कि आप प्रॉब्लम को कैसे समझते हो और कैसे सॉल्व करने का तरीका निकालते हो। फिर यहां जो तरीका आपने लिखाया उसका यहां पे एल्गोरिथम बनेगा, मतलब कि स्टेप। जैसे मान लीजिए ना कि मुझे यहां पे लिखना है नेम, यहां पे लिखना है रोल, यहां पे लिखना है मार्क्स। अब इसके लिखने का एल्गोरिथम होगा, मतलब कि इसके लिखेंगे हम इस तरह से कि स्टार्ट सेलेक्ट ए वन एंटर नेम, फ्लोचार्ट पढ़ा होगा ना आपने टेंथ की क्लास में, चाय बनाने की प्रक्रिया बताए। हाँ जी हाँ जी, फ्लोचार्ट पढ़ा है, भूल गए, 10 नंबर के पेपर होते थे, क्वेश्चन होते थे सर, बड़ी सिंपल, सिलेक्ट ए वन एंटर नेम, सिलेक्ट वन और यू वन एंड क्या है। देखिए ये दो चीजें है, एक स्टेप, स्टेप ऊपर नीचे रहती है। मान लीजिए आपको पिवट लगाना है, तो पिवट लगाने में सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना, देन पिवट अप्लाई करना है। क्या अगर आप उस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, पहले पिवट लगा दोगे फिर डेटा सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने का कोड डालोगे तो फिर एरर आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि मुझे यहां पर A1 पे कर्सर रखना है, फिर नाम एंटर करना है, हम नाम एंटर करके A1 पे कर्सर नहीं रखेंगे। तो ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप एल्गोरिथम आपको डिफाइन करता है। अब आप जो अपने लिए मैक्रो बना रहे हो तो उसकी स्टेप तो आपको पता है,
लेकिन जो माइक्रो थर्ड पर्सन के लिए आप बना रहे हैं उनके स्टेप तो आपको नहीं पता है क्या सर? अब मान लीजिए शुभम जी ने बोला कि सर मेरे लिए मुझे एक मेरा फाइल ऑटोमेट कर दो, अब उस फाइल को हम क्या करेंगे कि ओपन करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। अब शुभम जी ने मुझे सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो तो हम सुनेंगे और आधी बात उससे भूल जाएंगे, इसलिए एल्गोरिथम जरूरी है। ठीक है सर? चलिए अब बात करते हैं, अभी यहां तक तो खत्म हो गई, अब बात करते हैं कोडिंग की। तो यहां तक जो मैं शुभम जी में पढ़ा चुका था इन लोगों को दो क्लास में, और बाकी लोग मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया, शुभम जी आज ज्वाइन किए थे फर्स्ट टाइम, तो इसलिए अब बात करते हैं कोड कंसेप्ट की। तो हम आते हैं वापस डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक पे चलते हैं। तो हम पहले अपना माइक्रो डिफाइन कर लिया मान लीजिए, तो अब बात आती है कि हम पहला कोडिंग स्टार्ट कैसे करें, क्या लिखे। वो कोडिंग डिपेंड करता है आपको एल्गोरिथम पे। जैसे लिखा हुआ सिलेक्ट A1, A1 क्या है, रेंज है, तो आप यहां पे कोड लिखेंगे रेंज, रेंज का एड्रेस A1 और उसका एक्शन पे मेंबर सिलेक्ट। ऐसे आपको क्या करना है, एंटर नेम, नेम कहां एंटर करना है, जहां सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ वह चीज क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल या सिलेक्शन। यहां पे एक्टिव सेल या सिलेक्शन डॉट उसकी क्या है, वैल्यू को चेंज करना है, क्या करना है, ये करना है, ऐसे डिफाइन की जाती है। तो एक्टिव सेल कैसे हुआ, रेंज कैसे हुआ, हाउ कैन डिफाइन। देखिए VVA में मोस्टली चार ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्क बुक्स, तीसरा होता है सीट्स एंड चौथा होता है रेंज। ये चार मेन ऑब्जेक्ट है जिससे हम माइक्रो की लाइन, मोस्टली माइक्रो की लाइन हम इसी से स्टार्ट करते हैं। यह बोलिए ना सर कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम जब हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, नाउन से स्टार्ट करते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन से ना, मोस्टली इंग्लिश वर्ड हमारा नाउन एंड प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। क्या शुभम जी, तो समझिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की जगह पे हम लोग लोकेशन बोलते हैं, लोकेशन या ऑब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहते हैं लेकिन आम समझने में हम इसको लोकेशन कहते हैं कि कहाँ पे, फिर उसका एड्रेस देते हैं क्या और फिर क्या। जैसे मान लीजिए हमें करना है रेंज A1 पे वैल्यू डालनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा रेंज, तो रेंज होगी मतलब कि कहाँ पे, तो रेंज पे उसका रेंज का एड्रेस हमने दे दिया क्योंकि पर्टिकुलर रेंज है इसलिए रेंज का एड्रेस दे दिया। फिर आता है क्या, हमने बोला कि वैल्यू, वैल्यू में क्या करना है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट का डिटेल या एड्रेस, ये आपका हो गया मेंबर और ये हो गया मेंबर का डिटेल। ठीक है, अब इसे मान लीजिए मुझे फाइल को सेव करना है, तो फाइल का नाम मुझे पता है, यहां लिखेंगे वर्क बुक्स और यहां पे फाइल का नेम बुक वन। हमने वर्क बुक क्यों किया, क्योंकि हमें फाइल पे वर्क करना है, तो फाइल को यहां वर्कबुक से डिनोट किया जाता है। क्या करना है, तो कहां करना है, तो यहां पे हमने उसका पाथ विद एक्सटेंशन दे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिटेल हो गया, ये आपका आपका मेंबर हो गया और ये आपकी मेंबर डिटेल हो गया। अब बोलेंगे सर आपने ऊपर तो इक्वल लगाया और नीचे स्पेस लगाया मेंबर डिटेल, ऐसी क्वेश्चन दिमाग में आ रही होगी सर, वो ऊपर हार्ड कोड वैल्यू है उसको वहां पे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे 15 रहेगी और नीचे तो हम सिंपल खाली लोकेशन दे रहे हैं। जो मेंबर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। ये जो है सेव है हमारा मेथड है, मेथड में हमेशा स्पेस लगता है और प्रॉपर्टी हमारा हमेशा इक्वल लगता है। तो कैसे पता चलेगा, स्पेस मारिएगा तो नीचे
यहाँ डॉट, यहाँ पे जब जब डॉट लगाते हैं ना सर, जैसे डॉट वैल्यू हमने किया तो वैल्यू में हैंड का निशान है ना सर, ये प्रॉपर्टी है। और वही में अगर आप सेव एज करते हैं तो आप देखेंगे इस पे ए, इस तरह ग्रीन कलर के बॉक्सेज है, तो क्या है एम मेथड। इसके बारे में आगे हम बताएंगे, लेकिन इनके मेंबर्स को पढ़ने के लिए आपको अभी थोड़ा सा थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो आपको यहां एक्सेल का हेल्प दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, बस इंटरनेट ऑन नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे होते ही आपके माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प सपोर्ट साइट खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको वीवी रेफरेंस पे जाना है, और इसके अंदर आपको जाना है ऑब्जेक्ट मॉडल पे, ठीक है। मॉडल रेफरेंस, ये आपके सारे ओवरव्यू है, यहाँ पे ओवरव्यू दिख रहा होगा, नंबर्स है, सारे ऑब्जेक्ट है आपके, ठीक है ना, जिससे हम माइक्रो लाइन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है कि मेंबर्स से मेंबर भी है, तो इसमें मेन जो आपको पढ़ना है चार, एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ दीजिए, पढ़ना है वर्कबुक, शीट्स एंड रेन। यहाँ पे आपको शीट्स ऑब्जेक्ट यहाँ दिख गया, क्लिक कीजिए शीट ऑब्जेक्ट, और शीट ऑब्जेक्ट में यहाँ आपको आपको दिख रहा है कि इसका मेथड और प्रॉपर्टी क्या है। शीट एंड वर्कशीट दो होता है, लिखते हैं वहां पे एक सीट ही है, बट यहाँ इसमें इन्होंने सीट और वर्कशीट को अलग अलग बात रखा है। ऐसे वर्क बात करते हैं वर्कबुक की, तो नीचे आपको यहाँ वर्कबुक दिखेगा, वर्कबुक दिख गया, वर्कबुक, वर्कबुक के डिटेल्स दिख गए, और देखिए मेंबर दिख गया, मेंबर दिख रहा है सर, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। अब इस पे करेंगे, अब इस पे है जो आपको आता है, अब जो से सेप चेंज पता है क्या होता है, ऑल सेप चेंज नहीं पता हो, क्लोज तो पता ही है आपको क्या। ऐसे जो मेंबर आप एक्सेल में जानते हैं उसको देखिए, प्रिंट आउट पता है, प्रिंट आउट लेना होता है ये पता है आपको, प्रोटेक्ट आपको पता ही है आपको, रिफ्रेश आपको पता ही है आपको। तो ये यहाँ पे उसके कोड दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये मेंबर है, जैसे कि आप कोड यहाँ, अच्छा 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 अच्छा, वो वर्कबुक डाल के जो डॉट लगाया है ना सर, सेव एज, ओके, ये पूरा मेंबर दिख रहा है ना, तो कौन सा क्या है एक बार उसकी स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है ना, तो इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिए, फिर कल हम मिलते हैं, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोड कंसेप्ट, ओके, ठीक है। सुरेंद्र जी, प्रवीण जी एंड वृंदा साहू जी, यस सर, मिलते हैं कल, जी सर, बाय बाय।